हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप फ्रॉम AIEL और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमिशन पर। ये हमारी ओमिशन पर फर्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको टेंसेज आते हैं और वर्ब का बेसिक्स पता है तो आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं भी आते तो आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बिना टेंस की नॉलेज रखे ही आप ओमिशन कर पाएंगे, आप एडिटिंग कर पाएंगे। और अगर आप टेंस और वर्ब के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको बहुत हेल्प होगी टेंस को पहचानने में, वर्ब को पहचानने में, और आप बहुत ही आसानी से एडिटिंग और ओमिशन कर पाएंगे अगर वो सेक्शन वर्ब से पूछा जाता है और टेंस को लेकर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने ओमिशन के फर्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा ओमिशन का फर्स्ट पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑन मंडे 2 leopards इलेक्ट्रोक्यूटेड इन महाराष्ट्र'स डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोक्यूटेड, और इलेक्ट्रोक्यूटेड जो है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और आप जानते होंगे कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कि एक्शन डन हो गया और टाइमिंग पास्ट होता है। आप सभी को पता है कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म इलेक्ट्रोक्यूट, सेकंड इलेक्ट्रोक्यूटेड, थर्ड फॉर्म इलेक्ट्रोक्यूटेड, और फोर्थ फॉर्म इलेक्ट्रोक्यूटिंग, और फिफ्थ भी हमारी इलेक्ट्रोक्यूट होती है। फिफ्थ और फर्स्ट हमारी सेम होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोक्यूटेड, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। हमारी इलेक्ट्रोक्यूट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, और हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि ये हमारी सेकंड है या थर्ड है? थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, जबकि सेकंड फॉर्म कभी भी अपने पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोक्यूटेड, तो इलेक्ट्रोक्यूटेड से पहले यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर है, और ना ही यहाँ पे हैज या हैव है। तो इसका मतलब ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि काम डन हो गया और ये बात पुरानी है, यानी कि पास की है। और इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है करंट देकर किसी को मार देना। और इससे पहले देखिए, इससे पहले लिखा है 2 leopards, तो ये हमारे सब्जेक्ट हुए। आप सब जानते हैं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो 2 leopards हमारे सब्जेक्ट हुए। और अगर हमारे ये सब्जेक्ट हैं तो इसका मतलब है ये डूअर हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो काम करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है करंट देकर किसी को मार देना, और इसका मतलब इससे पहले है 2 leopards, इसका मतलब है 2 leopards अगर हमारे सब्जेक्ट हैं और उन्होंने काम किया है, तो इसका मतलब है कि 2 leopards ने क्या किया, करंट देकर किसी को मार दिया। जबकि इस पैराग्राफ में ऐसा नहीं कहा गया है, ये पैराग्राफ ऐसा नहीं कहना चाहता। ये पैराग्राफ तो ये कहना चाहता है कि सोमवार को 2 leopards को इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, कहाँ पे, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर में। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे ठीक करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो केवल डूअर ही नहीं होता। आप ये दिमाग में ना रखें कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो हमेशा काम करता है। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, आपका सब्जेक्ट जो होता है वो काम भी करता है और आपके सब्जेक्ट के ऊपर काम भी होता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो काम करता है तो वो डूअर है, और अगर आपके सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो वो सफरर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो लेपर्ड्स हैं, लेपर्ड्स को करंट देकर मारा गया, जबकि लेपर्ड्स ने करंट देकर किसी को नहीं मारा। तो इसका मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, लेपर्ड्स सब्जेक्ट तो है लेकिन ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये सफरर है। सफरर मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, ना कि सब्जेक्ट ने काम किया है। तो जो वर्ब है, इस वर्ब को हमें चेंज करना होगा और हमें एक नई वर्ब बनानी होगी, जिसे हम बोलते हैं पैसिव वर्ब। और पैसिव वर्ब बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी सेंटेंस में एक्शन होता है आप उसकी थर्ड फॉर्म लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोक्यूटेड, जो कि सेकंड फॉर्म है, और इलेक्ट्रोक्यूटेड की थर्ड फॉर्म भी इलेक्ट्रोक्यूटेड ही होती है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोक्यूटेड ले लिया, और इससे पहले हम क्या करेंगे, बी फॉर्म लगा देंगे। बी मतलब होता है इज एम आर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा जो भी एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म लेंगे और उससे पहले बी फॉर्म लगा देंगे। बी फॉर्म मतलब इज एम आर। तो इस तरीके से आप अपनी एक नई फॉर्म बनाते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने बनाई है बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, यानी कि इज एम आर इलेक्ट्रोक्यूटेड या बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और इसे हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई भी काम फ्रीक्वेंटली होता है। तो हम यहाँ पे नहीं बताना चाहते, यहाँ तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन पास में हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बी यानी कि इज एम आर इलेक्ट्रोक्यूटेड को हमें सेकेंड फॉर्म में चेंज करना होगा। इसका मतलब हो जाएगा वॉज या वर इलेक्ट्रोक्यूटेड, इज एम आर का पास होता है वॉज वर, तो हमें इज एम आर की जगह वॉज वर रखना होगा, और ये हमारी फॉर्म बन जाएगी नई
वॉज वर इलेक्ट्रिक्यूटेड। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इलेक्ट्रिक्यूटेड, इलेक्ट्रिक्यूटेड तो यहाँ पे पहले से ही लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केवल वर फिक्स करना होगा, यहाँ पे हम वॉज नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें वर लिखना होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। अगला सेंटेंस है द डिकेइंग कारकसेस ऑफ द टू रिकवर्ड 100 मीटर इनसाइड द जंगल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है रिकवर्ड, और रिकवर्ड हमारी सेकंड भी होती है और हमारी थर्ड फॉर्म भी होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा अपने पहले इज एम आर या फिर हैज़ या हैव लेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये हमारी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब वही काम डन हो गया और टाइमिंग पास्ट का, और जो सेकंड फॉर्म से पहले होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे डिकेइंग कारकसेस का मतलब है सड़ती हुई बॉडी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो दो जानवर थे उनकी जो डिकेइंग कारकसेस थी, यानी कि जो उनकी सड़ती हुई बॉडी थी, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। और अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब है जो रिकवर्ड है ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से पहले जो आता है वो काम करता है, यानी कि वो डूअर होता है, और अगर ये हमारा डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिकेइंग कारकसेस है उसने ढूंढ निकाला, रिकवर मतलब होता है ढूंढ निकालना, तो उसने ढूंढ निकाला, तो इसका यहाँ भी कोई अर्थ निकल के नहीं आ रहा। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो बॉडी है इन्होंने ढूंढ के नहीं निकाला, इनको निकाला गया, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें एक नई वर्ब बनानी पड़ेगी, और नई वर्ब बनाने का तरीका आप जान चुके हैं, जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है रिकवर्ड, और रिकवर्ड से पहले क्या करेंगे, रिकवर्ड से पहले हम बी फॉर्म लगा देंगे यानी कि इज एम आर, तो यहाँ पे बन गया हमारा इज रिकवर्ड। तो यहाँ भी हमें पास्ट टेंस यूज करना होगा क्योंकि ये बात पास्ट की है, तो बी या इज एम आर रिकवर्ड की पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज वर रिकवर्ड। यहाँ पे जो कारकसेस है यानी कि वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में लेके आएंगे यानी कि वर्ब। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। यहाँ पे लिखा है द डेथ्स एक्सपोज्ड द सेफ्टी लैप्सेस इन द हाई सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपोज्ड, फिर सेम बात आ गई, यानी कि एक्सपोज्ड फर्स्ट फॉर्म एक्सपोज, सेकेंड एक्सपोज्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हमारी एक्सपोज्ड। तो इससे पहले भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब हुआ कि ये भी पास्ट फॉर्म है, और इसका मतलब है इसमें भी काम डन हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखा है, इससे पहले लिखा है डेथ्स, डेथ्स और एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना, तो इसका मतलब है जो जो डेथ है, डेथ हमारा सब्जेक्ट बन गई यानी डूअर बन गई। तो अगर हम इसका अर्थ निकालें कि डेथ ने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज देन व्हाट, क्या एक्सपोज कर दिया, तो सेफ्टी लैप्सेस इन द हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के अंदर जो सेफ्टी लैप्सेस थे उनको एक्सपोज कर दिया। और दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बताया था कि जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो अपने पहले कोई भी फॉर्म नहीं लेती, लेकिन जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है वो अपने पहले या तो हैज हैव लेगी या फिर हैड लेगी। तो अगर हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हम यहाँ पे हैव लगा दें तो ये हमारा प्रेजेंट से लिंक हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा कि जो डेथ्स है उन्होंने एक्सपोज किया है, उन्होंने एक्सपोज किया है किसको, सेफ्टी लैप्सेस को इन हाई सिक्योरिटी। हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी हम तब लगाते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई एक्शन डन हो गया। तो यहाँ पे यहाँ भी एक्शन डन हो गया, यानी कि जो सेफ्टी लैप्सेस हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, और किसने किए, डेथ्स ने, यानी कि जो जानवर है जानवर की जो डेथ्स हुई हैं उन्होंने एक्सपोज कर दिए। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, तो याद रखें कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो ये शो करती है कि एक्शन डन हो गया, और वो कभी भी बिना हैज़ या हैव के नहीं आती जब हम उन्हें एक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हैज़ या हैव यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप पास्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हैड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम हैड यूज़ नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर हम हैड यूज़ कर देते हैं तो ये एक्सट्रीम पास्ट हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि जानवर के मरने से पहले ही उनकी मौत ने ये एक्सपोज कर दिया था कि हाई सिक्योरिटी में सेफ्टी लैप्सेस हैं। तो हमें यहाँ पे इसे प्रेजेंट से लिंक करना होगा, और यहाँ पे हमें हैव लगाना होगा, जिसका मतलब ये है कि भाई हाल ही में ये अभी जो सेफ्टी लैप्सेस हैं ये एक्सपोज किए हैं उन जानवरों की मौत ने। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल टेकन अगेंस्ट द पोचर्स। तो यहाँ पे लिखा अ स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके बाद लिखा विल, विल टेकन। तो दोस्तों विल हमारा मॉडल है, और जो हमारा मॉडल होता है वो हमेशा अपने बाद फिफ्थ फॉर्म लेता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फिफ्थ और फर्स्ट, मैं मानता हूँ कि फिफ्थ और फर्स्ट सेम होती है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, गो फर्स्ट होती है, वेंट सेकंड, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग, और फिफ्थ गो, यानी कि फर्स्ट भी गो और हमारी फिफ्थ भी गो, दोनों ही गो होती हैं। तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस इतना है, जब आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है और वो अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, खुद ही वो अपना टाइम भी बताती है और वो एक्शन भी बताती है, उस कंडीशन में हम उसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन आपकी वर्ब वो दिखती फर्स्ट फॉर्म जैसी है, लेकिन वो अपना टाइम बताने के लिए किसी और पे डिपेंड करती है,
तब आप उसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। हालांकि देखने में दोनों एक जैसी होती हैं, तो यहाँ पे हम गो यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे विल हमारा मॉडल है और विल हमें ये बताएगा कि ये एक्शन फ्यूचर का है, और अगर एक्शन फ्यूचर का है और विल ये बात हमें बता रहा है तो हम फर्स्ट फॉर्म नहीं मानेंगे इसे, ये हमारी फिफ्थ फॉर्म होगी। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझना चाहते हैं, आप इसे फर्स्ट कहना चाहते हैं या फिफ्थ कहना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने विल लिया, और जो विल होता है वो हमेशा अपने बाद फिफ्थ या फर्स्ट, जो आप समझना चाहें, वो फॉर्म लेती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा टेकन, तो टेकन ये हमारी थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसे टेकन की जगह टेक कर दें तो भी हमारा अर्थ गलत हो जाएगा। और पहली बात ये कि यहाँ पे हमें ओमिटेड वर्ड को ढूंढना है, ना कि हमें इसे करेक्ट करना है। तो अगर हम इसे इस तरीके से सोचें कि जो एक्शन है, एक्शन लिया जाएगा, यानी हमारा जो एक्शन सब्जेक्ट है ये काम नहीं करेगा, इसके ऊपर काम होगा। और जब आपका सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता, तो आपको पता है कि आपको नई फॉर्म बनानी होती है। और नई फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, वही जो भी एक्शन हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म और उससे पहले बी फॉर्म। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और टेकन से पहले हमने बी फॉर्म लगा दिया, तो बी टेकन या इज एम आर टेकन, तो बी ही इज एम आर है, इज एम आर ही बी है। तो एक याद रखें, जब आप मॉडल्स यूज़ करते हैं तो मॉडल से पहले आपको बी फॉर्म यूज़ करनी होती है, और दूसरी कंडीशन में आप बी को इज एम आर के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बी टेकन ले लेंगे, तो यहाँ पे टेकन तो पहले से लिखा है, तो यहाँ पे बचा बी। जैसे हम बी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बी टेकन, यानी अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द पोचर्स, जो पोचर्स हैं पोचर्स के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से ये हमारा इसका मीनिंग आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ओमिशन पे वीडियो। अगर आप एडिटिंग और ओमिशन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।